नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम एडुकार्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो शब्द रचना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पिछले लेक्चर में हम लोग शब्द रचना से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे जिनके आसार होते हैं कि वो एग्जाम में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हमारी जो भाषा है हिंदी, उसका जो नाम है वही एक फारसी भाषा का शब्द है। शब्द कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसको मेंशन करना चाहूंगा कि सार्थक होना बहुत जरूरी है। यदि हम दो वर्ण लिख लेते हैं रा और रा, तो ये शब्द नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वही शब्द कहलाता है। इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, तो इसे हम टिक नहीं करेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, इसे हम टिक करेंगे। शब्द के भेद के आधार कितने हैं? 3, 4, 1, 2। तो इसके आधार होते हैं दो। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। अब सार्थक शब्दों की बात करते हैं, तो सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है 3 आधार पर। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रचना के आधार पर सार्थक शब्द के भेद कितने हैं? तो रचना के आधार पर सार्थक शब्द के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द के भेद कितने हैं? अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द के भेद 4 होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द हमें देखना है इसमें से कौन सा है। प्रधानमंत्री नहीं, ये रूढ़ शब्द नहीं है। कुर्सी, ये रूढ़ शब्द है। प्रधानमंत्री एक यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द नहीं है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है, यौगिक कहलाता है, संकर कहलाता है या देशज कहलाता है? तो जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा संकर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दशानन है यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर संकर शब्द? तो दशानन एक योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि दशानन का एक निश्चित अर्थ है। दशानन मतलब रावण। यदि कोई भी दशानन बोलता है तो दशानन बोलते ही सबके दिमाग में एक साथ एक ही छवि बनेगी, वो है रावण की। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है। आल्पिन और गमला किस भाषा का शब्द है? आल्पिन और गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तंबाकू, घोड़ा, आलू, गोभी, ये सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा कि घुड़सवार शब्द है यौगिक शब्द है, संकर शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या फिर रूढ़ शब्द है? तो घुड़सवार जो हमारा है वो एक यौगिक शब्द है। घुड़ सवार मतलब घोड़े, घोड़े पे जो सवार है वो एक यौगिक शब्द है। वकील, वकील हमारा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है या फिर तुर्की भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है या फिर हिंदी भाषा का शब्द है? तो वकील हमारा अरबी भाषा का शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है यौगिक, संकर, रूढ़ या फिर विदेशी? रेलगाड़ी दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी। रेल एक अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। तो ये हमारा हो जाएगा संकर शब्द, क्योंकि जब दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन थे शब्द रचना से आधारित, जो हमें लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, इसमें से आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो मुख्य मुख्य प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं, बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संधि के बारे में,
संधि से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और बहुत ही एक ब्रॉड टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक है संधि, और समझना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, यदि आप उसको समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो संधि पे भी डिस्कस करेंगे और बहुत आसान डिस्कशन रहेगा, ऐसी हमारी आशा है आपको समझ में आ जाए, ऐसा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।